नमस्कार, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं डेली नए सीखो। नगर निकाय चुनाव 2022 जल्द ही होने वाले हैं, ऐसे में आप लोगों का एक सवाल जरूर होगा कि अगर हम लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो हम लोग कैसे अपना वोट डाल पाएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, विधानसभा और जो लोकसभा होती है उनकी वोटर लिस्ट अलग होती है और नगर निकाय चुनाव जो है उसकी लिस्ट अलग होती है। ऐसे में अगर आप लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप में से कोई भी अपना वोट नहीं डाल पाएगा। तो ऐसे में अगर आप लोगों को अपना वोटर लिस्ट में नाम ऐड कराना है तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने वोटर लिस्ट में जो नगर निकाय चुनाव है उसमें आप कैसे अपना नाम ऐड कर सकते हैं, और अगर आपका पहले से नाम है तो कैसे आप अपने नाम को सर्च कर पाएंगे। सारी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, सब कुछ, जिससे कि जो नगर निकाय चुनाव है उसमें आपका जो वोटर लिस्ट है उसमें आपका नाम आ सके। अगर आपका नगर निकाय चुनाव 2022 के लिस्ट में आपका नाम नहीं है, जो वोटर लिस्ट है, तो उसमें आप दो तरीके से अपना नाम ऐड करा सकते हैं। एक तो आप ऑफलाइन करा सकते हैं, एक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन में आपको पूरा जो फॉर्म है उसको फिल करके अपने BLO या आपके एरिया में जो भी वोटर कार्ड बना रहा है वहां पे आप दे सकते हैं। दूसरा है, आप खुद से अपने आप से अपना वोटर लिस्ट में नाम ऐड कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, क्या क्या आपको प्रूफ देना है, वो भी हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास वोटर कार्ड तो होगा लेकिन फिर भी उन्होंने इससे पहले नगर निकाय चुनाव हुआ था उसमें वोट नहीं दिया हुआ, क्योंकि उनका लिस्ट में नाम नहीं होगा। वोटर कार्ड होना ये जरूरी नहीं है कि नगर निकाय जो चुनाव है उसमें आपका नाम हो। विधानसभा लोकसभा की जो लिस्ट होती है वो अलग होती है और जो नगर निकाय चुनाव है उसकी लिस्ट अलग होती है। ऐसे में अगर आपको नाम ऐड करना है तो हम आपको आज ऑनलाइन बताएंगे घर बैठे कैसे आप अपने नाम को वोटर लिस्ट में ऐड कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये पोर्टल है, देखिए, नगरीय निकाय 2022 ऑनलाइन मतदाता आवेदन फॉर्म। ठीक है, देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश लिखे हुए हैं, देखिए आप पढ़ सकते हैं इसको। उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, निर्वाचक नामावली 2022 में नाम सम्मिलित करने हेतु आवेदन की सुविधा, दिनांक 1/11/2022 12 बजे से 4/11/2022 रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इसका मतलब ये है इसको केवल आप 4 दिन के लिए ही भर पाएंगे, यानी कि 4/11/2022 के बाद आप इसको फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो जल्द से जल्द आप इस काम को कर लीजिए, छोटा सा फॉर्म है, बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं है बड़ा, इसको आप खुद ही भर सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी फैमिली में जितने भी लोगों का वोटर कार्ड में नाम नहीं है आप अपनी वोटर लिस्ट में इस नाम को ऐड कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है वो हम आपको बता देते हैं। उससे पहले देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोगों को लगता है कि आपका नगर निकाय चुनाव में आपका नाम है लिस्ट में, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नगरीय मतदाता खोजें, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पूरा अपना नाम सर्च कर पाएंगे, अपना नाम डाल के, पापा का नाम डाल के, पूरा वार्ड वगैरह डाल के आप सर्च कर पाएंगे। लेकिन अभी ये पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है इस वजह से आप इसको ओपन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर ये ओपन होता है तो आप इस पोर्टल पे जाके आप ओपन कर पाएंगे। देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये पोर्टल अभी यहाँ पे सर्वर एरर इन साइट एप्लीकेशन, ये खुल नहीं रहा है, लेकिन जल्द ही इस पर अभी वर्क चल रहा है, जल्द ही ये ओपन हो जाएगा तो वहां पे आप सर्च कर सकते हैं अगर आपका पहले से इसमें लिस्ट में नाम है तो। अब देखिए ये ऑनलाइन फॉर्म है, परिवर्तन नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन फॉर्म, देखिए छोटा सा फॉर्म है, बहुत बड़ा फॉर्म नहीं है। देखिए निवास स्थान का विवरण, व्यक्तिगत विवरण, ठीक है, देखिए कोई बहुत बड़ा फॉर्म नहीं है, आप देख सकते हैं छोटा सा फॉर्म है। ये फॉर्म आपको कैसे फिल करना है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेवा में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निवास स्थान का विवरण, यानी कि मेरा जनपद, आपका जिस भी जनपद में, यानी कि जिस भी आपका जो सिटी है उसमें आप रहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें भी आप रहते हैं। दूसरा है तहसील, ठीक है, जो भी आपकी तहसील लगती है वो तहसील आपको वहां पे सेलेक्ट करनी है। तीसरा है नगरीय निकाय का नाम, आप देख सकते हैं जो भी आपका नाम है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है वार्ड का नाम,
आपका जो भी वार्ड है, अगर आपको अपना वार्ड नहीं मालूम है तो जिसका पहले से वोटर लिस्ट पर नाम है उनसे आप पूछ सकते हैं, वो आपको सही एक्यूरेट जानकारी दे देंगे। ठीक है, तो जो भी आपका वार्ड है वो वार्ड आपको सेलेक्ट करना है। उसको देखिए बूथ संख्या एवं नाम। ठीक है, देखिए जो बूथ संख्या होती है वो भी अगर आपको नहीं मालूम है तो जिनका पहले से वोटर लिस्ट पर नाम है वो आप उनसे पूछ सकते हैं कि इससे पहले उन्होंने किस बूथ में अपना मतदान किया था, तो उसी हिसाब से आप वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो भी होगा वो आप वहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसको देखिए मार्ग और मोहल्ले का नाम आपका जो भी उसमें है उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए इसमें दो कॉलोनी आ रही है, तो आपकी जो भी कॉलोनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप इसको स्क्रॉल कीजिए और नीचे कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे आपको अपना मकान संख्या डालना है, आपका जो भी मकान नंबर है। अगर आपका मकान नंबर नहीं है तो आप 00 यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे जो भी आपका मकान नंबर है, ठीक है, आपको वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, अब इसमें जैसे ही आप देखिए नंबर डालेंगे उस पर जैसे ही आप स्पेस देंगे तो ये ऑटोमेटिक हिंदी में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। उस पर देखिए आवेदक का नाम हिंदी में, तो यहाँ पे आपको अपना जो नाम है वो हिंदी में नोट कर लेना है। ठीक है, देखिए आवेदक का नाम हिंदी में, यहाँ पे आपको अपना हिंदी में नाम डालना है। उसके बाद माता पिता पति का जो भी नाम है वो भी आपको यहाँ पे हिंदी में डाल लेना है। उसके बाद देखिए लिंग, अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष आपको सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप एक महिला हैं तो आपको महिला सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी है आप वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 1 जनवरी 2022 को आयु, जो भी इनकी आयु हो रही होगी 2022 को 1 जनवरी को, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जो मोबाइल नंबर आप अपनी लिस्ट में ऐड कराना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर और आधार नंबर दोनों डाल देते हैं। ठीक है, देखिए मोबाइल नंबर और आधार नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया है, ईमेल आईडी हमने इसको छोड़ दिया। उसके बाद आपको और फॉर्म को स्क्रॉल करना है और इसको नीचे करना है। देखिए फ्रेंड्स, प्रमाण संबंधित दस्तावेजों का विवरण, देखिए यहाँ पे आपसे पहचान पत्र का प्रमाण मांगा गया है, आपसे जन्मतिथि का प्रमाण पत्र मांगा गया है और निवास प्रमाण पत्र आपसे मांगा गया है। देखिए आप लोगों के सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होगी कि ये डॉक्यूमेंट्स हम लोग कहाँ से लाएंगे, अगर सब लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आप ऐसे में क्या करेंगे। देखिए मैं आपको एक बता दूं, आधार कार्ड से केवल आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, पहचान प्रमाण पत्र में भी आप आधार कार्ड दे सकते हैं, जन्मतिथि में भी आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं और निवास प्रमाण पत्र में भी आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आधार कार्ड में आपका नाम सही नहीं है तो इसके अलावा आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास आइडेंटिटी के, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। वही बात करते हैं जन्मतिथि की, अगर आपके आधार कार्ड में आपकी जन्मतिथि ठीक नहीं है तो इसके अलावा आप मार्कशीट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं और भी डॉक्यूमेंट्स वो आप दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी जो जन्मतिथि है वो ठीक नहीं है। वही बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र, अगर आपका आधार कार्ड जहां आप रहते हैं वहां का नहीं है, किसी दूसरी जगह का है, तो वहां का आप अपना जो भी निवास प्रमाण पत्र है, बिजली का बिल है, गैस कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड है, जो भी है आपके पास वहां का रेसिडेंस प्रूफ, वो आप दे सकते हैं और इसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको जब होगी, जब आप इस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अधिकतम फाइल साइज 100 KB, यानी कि JPG हो चाहे PDF हो, आप 100 KB से ज्यादा फाइल इसमें अपलोड नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए हम इसमें देखिए अब चूज फाइल करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम इसमें आधार कार्ड अपलोड करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे गए आधार कार्ड पे, देखिए यहाँ पे जैसे आधार कार्ड है, ठीक है, हम इसको अपलोड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारी जो फाइल है वो 100 KB से ज्यादा है, इसको आप कैसे कम कर पाएंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए ये है रिसर्च पिक्सल, ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अगर 100 KB से ज्यादा है तो इसमें आप उसको कम कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, जैसे कि हम आपको अभी करके बताने वाले हैं। जैसे कि आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना है, उसके बाद देखिए जैसे कि ये आधार कार्ड है, ठीक है, आप जैसे इसको अपलोड करेंगे, देखिए अभी यहाँ पे द सर्वर इज टेम्परेरी अनेबल, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको रिफ्रेश कर दीजिए, थोड़ी देर बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगा, कभी कभार इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, फिर इसको अपलोड कीजिए। देखिए यहाँ पे आधार कार्ड आ चुका है, अगर आपको ये अपना आधार कार्ड, देखिए यहाँ पे साइज लिखा हुआ है 116.39 KB का, यानी कि ये हमें 100 KB से कम का करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कंप्रेस फाइल टू,
तो आप यहां पे डाल दीजिए 95, सामने लिखा हुआ है केवी, ये ठीक है। अगर आप एमबी कर देंगे तो एमबी का हो जाएगा, केवी कर देंगे तो ये केवी का हो जाएगा। उसके बाद आपको यहां पे कंप्रेस पे क्लिक करना है। तो अभी ये इसको देखिए, ये यहां पे इन्होंने 116 से 78.37 केवी का कर दिया है। उसके बाद आप यहां से इसको कंप्रेस कर दीजिए और देखिए यहां पे देखिए आ गया है गो टू डाउनलोड, आप यहां पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप इस पे यहां पे करके देखिए डाउनलोड इमेज, उसके बाद आप इसको यहां पे सेव कर सकते हैं। यानी कि आपका जो आधार कार्ड है जिसका साइज 100 केवी से ज्यादा था उसको कम करके हमने 78 केवी का कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका साइज कम हो चुका है। अब आपको क्या करना है, पहचान प्रमाण पत्र है उस पर आपको फिर से जाना है और उसके बाद आपने जो साइज कम किया है देखिए ये यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको जन्म तिथि है उसमें भी आप आधार कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र है उसमें भी आप आधार कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कोड है, ये कोड आपको इसमें टाइप कर लेना है। अगर आप इसको सही नहीं डालेंगे तो ये सबमिट नहीं हो पाएगा। पूरा फॉर्म फिल हो चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस फॉर्म को सबमिट करेंगे कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये एक स्क्रीनशॉट है, इस तरीके से आपका फॉर्म भर जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से एक स्लिप मिलेगी, इस स्लिप को आपको सेव कर लेना है। फ्यूचर में अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम ऐड नहीं होता या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस स्लिप से उसको आसानी से ढूंढ पाएंगे। ये अभी इस पोर्टल में थोड़ा सा एरर आ रहा था तो ये सबमिट नहीं हो पा रहा था, तो हमने दोपहर के टाइम में एक फॉर्म फिल किया था, ये उसका स्क्रीनशॉट है। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है लेकिन जल्दी इस चीज़ को अपडेट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने आपको बताया है कि अगर आपका नगर निकाय चुनाव में वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपना या अपने फैमिली में किसी का भी नाम अपनी जो नगर निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट है उसमें आप ऐड करा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी प्रक्रिया हमने आपको आज इस वीडियो में बता दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है फिल करने में या फिर आपको कुछ पूछना हो, किसी भी तरीके की कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो इस पोर्टल से संबंधित, तो आप हमें हर बार की तरह कमेंट कर सकते हैं। हमसे जो भी आपकी हेल्प होगी हम हमेशा आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ में वो जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको आप क्लिक कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए।